तो बोलो धीरे चलने के लिए, कहीं रोकेंगे? ओ भाई अमेजिंग। अब इसको बोलते हैं भाई निकाल चिंगारी तू। फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आप सभी का एक न्यू फ्रेश कमाल के वीडियो में। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं भाई ब्लॉग को अभी घर से बाहर से स्टार्ट कर रहा हूं और अभी भाई बैठे हुए हैं रूपेशपुर नहर के पास, यहां पे देख सकते हो। और यहां पे भाई बाइक अपना लगा हुआ है, ये रहा अपना R15 V4, ये रहा R15 V1 नियाज भैया का, जो यहाँ पे भाई मस्त अपना व्लॉगिंग कर रहे हैं हेलमेट में कैमरा माउंट करके। अपना भी भाई कैमरा यहाँ पे हेलमेट में माउंट है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। अभी भाई मस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और इधर से अभी हम लोग जाएंगे इधर से होते हुए सीधे मरीन ड्राइव की तरफ। और भी फ्रेंड लोग हैं भाई जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो चलते हैं उन लोग आने का वेट करते हैं। फिलहाल भाई चलते हैं, सबसे पहले भाई अपना बाइक में फ्यूल अप करवाते हैं क्योंकि मेरे बाइक में भाई तेल है ही नहीं, दो एक दिन से भाई ब्लिंक कर रहा है, मतलब चलिए तेल आज ले लेते हैं। उसके बाद मेरे पता चला मरीन ड्राइव गया वहीं पे भाई फंस गया, चलिए निकलते हैं भाई। ये देखो तेल मीटर का भाई ब्लिंक कर रहा है, तो भाई चलते हैं तेल लेते हैं निकलते हैं। बहुत बड़ा भाई पोपट हो गया, अभी मैं रोड पे था और फिर मैं अभी अचानक से देखिए मैं घर पे आ चुका हूँ। भाई पोपट ये हुआ कि मैं अपने कैमरे का भाई जो SD कार्ड होता है, जैसे मैं अपना हेलमेट का कैमरा ऑन किया फिर मुझे पता चला कि मैं अपने फ़ोन का जो मेमोरी, मतलब ये जो कैमरे का मेमोरी कार्ड है ये मैं घर पे ही भूल गया हूँ। तो भाई फिर मुझे वापस आना पड़ा कैमरे का ये मेमोरी कार्ड लेने के लिए, क्योंकि भाई जितना भी वीडियो रिकॉर्ड होता है सब इसी में रहता है और इसी में डाले ही नहीं थे भाई। चलते हैं, अब कैमरा ऑन कर लिया, कैमरा अब ऑन हो जाएगा अब रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो चलिए निकलते हैं भाई जल्दी से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया। शाम के भाई 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे के बाद भाई लाइट बिल्कुल बाहर का खत्म हो जाता है, बट देखेंगे जो भी कंटेंट होगा शूट करेंगे क्योंकि भाई डेली व्लॉगिंग को मिस नहीं करना है। तो फ्रेंड्स चलिए भाई सबसे पहले अपना तेल ले लेते हैं, बाइक में भाई तेल एकदम नहीं है, फ्यूल अप कहाँ होगा बाइक का, चलिए यहाँ पे करवा लेते हैं फ्यूल अप। 222 घर है? ये ब्लॉगर है, हम लोग ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे, ब्लॉग मतलब जो दिन भर में जो हम लोग करते हैं ना अपना वो दिनचर्या को दिखाते हैं ब्लॉग में। तो अभी तो फिलहाल बाइक चला रहे हैं, जा रहे हैं मरीन ड्राइव घूमने, तो दिखा रहे हैं, लोगों को पसंद आता है ये यूट्यूब पे, हम लोग का इसी का पैसा मिलता है। यूट्यूब पे देखिएगा ना एक से एक कंटेंट भरा हुआ है, इंडिया का सौरभ जोशी ब्लॉग है नंबर 1 ब्लॉगर, वो महीना का 80 लाख रुपया कमाता है यूट्यूब से ऐसी यही काम करके, 80 लाख के महीना, सोचिए दुनिया में और कोई ऐसा जॉब है जगह में 80 लाख के महीना है? अभी मेरा इतना मेरा इनकम अभी उतना नहीं है, अभी फिर भी हम मतलब कि अच्छा कमा लिए हैं जॉब से, अच्छा है ना जॉब से तो अरे बहुत बढ़िया, बस खाली किस्मत बढ़िया आपका रहेगा ना तो आप इसमें आसमान छू दीजिएगा, किस्मत ख़राब रहेगा ना तो ज़मीन पे भी आ जाइएगा, ऐसा चीज़ है। पब्लिक को बस आपका कंटेंट पसंद आना चाहिए, देखिए यही है मेरा यूट्यूब चैनल राज रोशन ब्लॉग्स, देखने वाला कहाँ कुछ है, देखने वाला यूट्यूब नहीं देखते जी, किसी का चैनल खोलते होंगे तो इसे वीडियो आता होगा, देखिए हाँ ये सब हम अपना वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, देखिए आवाज़ भी आप ही का, हाँ सब वीडियो मेरा आवाज़ मेरा, देखिएगा ना मज़ा आएगा वीडियो। ये जो ऐड चल रहा है ना इसी का पैसा बनता है हम लोग का, क्योंकि हम लोग के वीडियो पे आपका ऐड चल रहा है, देखिए आपका फ्लिपकार्ट पर प्रचार आ रहा है तो लोग आप अभी से आप जाने फ्लिपकार्ट के बारे में, इसी का पैसा मिलता है कि हमारे वीडियो, हाँ क्योंकि हमारे वीडियो के थ्रू आप जान रहे हैं ना, देखिए स्नैपचैट के बारे में दिखा रहा है यही है, ठीक है ग्रुप रूप में शेयर कर दीजिएगा दोस्त लोग में, हाँ आपका मेरा कुत्ता है। तो भाई पेट्रोल पंप वाले भैया काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यूट्यूब का लोगो देखकर कैमरा देखकर एक्साइटेड हो गए थे, जिसके वजह से उन्होंने पूछने लगे कि क्या करते हैं आप क्या नहीं, जॉब से अच्छा पैसा है, फिर बताया हम कि नहीं आसमान भी छू सकते हैं ज़मीन पर भी आ सकते हैं, ऐसा चीज़ है ये, पब्लिक को बस पसंद आने का चीज़ है, अगर कंटेंट लोग अगर पब्लिक आपका पसंद करते हैं तो ऐसा कुछ सिस्टम है भाई, लोगों को काफ़ी यूनिक लगता है क्योंकि ये जॉब से कई ज़्यादा गुना हटकर है ना ये काम, और लोग आपको अलग जानते हैं भाई कि हाँ ब्लॉगर हैं, हम लोग पूछ रहे थे ब्लॉग का मतलब क्या होता है भाई, फिर उनको मैंने बताया। बाइक में भाई अपना फ्यूल अप हो चुका है फ्रेंड्स, अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से रूपेशपुर नहर के पास, वहाँ पे भाई लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रेंड्स फाइनली अभी हम लोग वहाँ से चलते चलते भाई आ चुके हैं दीघा,
यहाँ से चढ़ेंगे फ्लाईओवर, फिर हम लोग यहाँ से नीचे ढूलेंगे और पहुँच जाएंगे भाई मरीन ड्राइव थोड़ा सा आगे। और यहाँ पे आज के इस ग्रुप में ज़्यादा लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया है, बस एक आर्मन 5 V4 एन यहाँ भी आ, साथ में एक NS 200 है भाई का। और चलिए चलते हैं साथ में और दिखाते हैं भाई, देखते हैं आज। तो भाई पता चल रहा है कि मरीन ड्राइव पे काफ़ी ज़्यादा लंबा चेक इन लगाया हुआ है, मज़ा उतना ही है बट चेक इन भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो भाई आज के दिन संडे भी नहीं है जिसकी वजह से चेक इन लगाया गया है। आज तो मंडे भाई, संडे कल था जो कि हमने कल आए ही नहीं हम लोग वीडियो शूट करने, इसीलिए फ्रेंड्स एक दिन का भाई डिले हो गया हमारा वीडियो यूट्यूब पर, एक दिन नहीं आया। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस दिन हमारे यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो ही नहीं आया भाई, क्या करें यार। लगातार 6 दिन से कंटिन्यूसली फ्रेंड्स वीडियो डाल रहे थे तो सोचे यार अब इतना थक गए हैं तो एक दिन तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो भाई ऐसा कुछ सीन है, चलते हैं मरीन ड्राइव दिखाते हैं या वहाँ का कंटेंट आपको। और भाई थोड़ी ही देर में अब अंधेरा होने ही वाली है, लाइट जा चुकी है यहाँ पर। और मेरा जो कैमरे था भाई आज गजब का पोपट हो गया यार, वापस मुझे घर जाना पड़ा यहाँ से कैमरे का सिर्फ SD कार्ड लेने के लिए। और जब SD कार्ड ही नहीं है तो भाई फाइल रिकॉर्ड कहाँ से होगा वीडियो। भाई KTM गाइस ये यो देखो अनोन बंदा कैसे भाई स्टंट मारते हुए 390 देख लिया ना कि GoPro लगा हुआ है बंदा, लोग ब्लॉग बना रहा है भाई, स्टंट मारना स्टार्ट कर दिया बंदे ने। भाई ये लोग रॉन्ग साइड से क्यों आते हैं यार, समझ ही नहीं आता। हाँ हाँ अब मैं समझा, पुलिस का आज है चेक इन जिसके वजह से ये लोग आ रहे हैं भाई रॉन्ग साइड में। अब मैं सोच रहा हूँ आगे, आप जाइए आगे देख लीजिए एक बार, जाइए जाइए। तो भाई चेक इन है या नहीं है पता नहीं, खाली है नोट चेक इन, चेक इन नहीं है भाई, क्योंकि हमारे साथ एक और जो भाई NS है बंदा उसके पास हेलमेट नहीं है ना आगे वाला ना पीछे वाला। तो भाई आने से थोड़ा सा भाई डर रहा है। और मरीन ड्राइव पर भाई फाइनली पहुँच चुके हैं, यहाँ से जो है सारा मंजर स्टार्ट होता है मरीन ड्राइव पर। गाइस हमारे बाइक में भाई कोई एग्जॉस्ट नहीं लगा है जो हम लोग रैप वैप करके भाई पब्लिक का रिएक्शन चेकआउट आपको करा सकें, क्या यार गाइस चाह के भी अभी नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे बाइक में इंजन का जो वारंटी दिया है वो चाचा जी बच गए तो चाचा जी सुनाने लगे पूरा, चाचा जी देख भी नहीं रहे भाई लेफ्ट साइड देखिए तो रोड क्रॉस करो। बहुत भयंकर बचे हैं इधर, इधर ठोकाइए जाते हैं। ये देखिए रेल के निकले भाई न्याज भैया, ओ तेरी क्या कट मारे है यार गजब, रैपिडो गाइस ये देखिए रैपिडो से भाई जा रहा है। रैपिडो का भी क्रेज आ गया, अगर आपके पास भाई बाइक से जाना है जल्दी जाना है पटना में मरीन ड्राइव तो है ही फास्टेस्ट रूट, बट अगर आपको और जल्दी जाना है ऑटो का छुटकारा पाते हुए तो भाई आपको रैपिडो बुक करना पड़ेगा। रैपिडो बुक करिए और पहुंचिए आप अपने जगह पे। साइड में कहीं रुकते उनका बोल, उसको फ़ोन करके बोलो ना रुकने के लिए। ये लोकेशन मस्त है यहाँ रुकने वाला, ये लोकेशन यहाँ रुकने के लिए। गाइस देख रहे हैं कैसे भाई लोग रॉन्ग साइड में आ रहे हैं यार, बताइए ठुक जाएगा तो कहेंगे ये ठोक दिया। गाइस यहाँ पे चल रहा है भाई फोटोशूट यार, एकदम आज मरीन ड्राइव पे आ गए एकदम बोरिंग सा फील हो रहा है यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है ना कुछ है। वाह
ये देखिए स्प्लेंडर से भाई लहरिया काटते हुए, आप एगो काटे बहुत बढ़िया है कट, वहाँ पे वो कट बहुत बढ़िया निकाले थे। को बोलो धीरे चलने के लिए, कहीं रोकेंगे। ओ भाई अमेजिंग। अब इसको बोलते हैं भाई निकाल चिंगारी तू। ओ तेरी की, पूरा चिंगारी निकाल ले भाई। ये है इनका कंटेंट। इस स्टैंड नीचे कर रहे हो तो चिंगारी निकल रहा है ना। चलिए ना कहीं साइड में रुकेंगे, इधर रॉन्गी साइड से। उस साइड में कुछ है, पुल की तरफ चलिए ना, अच्छा लोकेशन। चलिए वाओ, हमारे में बाइक में भाई एग्जॉस्ट ही नहीं है। R15 एंड किट डोमिनार है भाई। फ्रेंड्स यहीं पे रुकते हैं भाई, फिर करते हैं आगे का असली कार्यक्रम। फ्रेंड्स फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम लोग अपने लोकेशन पे, और थोड़े लोकेशन क्या मरीन ड्राइव से होते हुए भाई आए हैं, और यहाँ पे भाई बाइक अपना लगा दिए हैं मस्त पीछे एक लाइन से। यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम के लिए भाई स्टोरी निकालते हैं। यहाँ पे भाई इस लुक को चेकआउट करो, NS 200 और यहाँ पे भाई अपना R15, यहाँ पे ये रहा R15 V1। तीनों भाई मस्त लगा हुआ है, खतरनाक लग रहा है फ्रेंड्स, तीनों का हजार जल रहा है।